दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन की किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। किसी भी स्त्री को अपने प्यार में दीवानी कैसे बनाना, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत कैसे भरना, अपनी मोहब्बत को हासिल कैसे करना है ताकि आपका प्यार आपके साथ रहे और वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाए, आपको ये छोटा सा बसकरण उपाय करना है। रात को सोते समय इस शब्द को बोल करके हवा में फूंक मारना है। सुबह होते होते वह स्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को सोने से पहले इस उपाय को करना है। छोटा सा उपाय है दोस्तों, आपको तांबे या पीतल के बर्तन में पानी भरकर उसमें दो लौंग रखकर अपने सामने रख लेना है। इसके बाद दोस्तों उस पानी में उस लौंग में फूंक मारना है। फूंक मारने से पहले दोस्तों आपको ये मंत्र बोलना है। दोस्तों मंत्र है, तेरी लोचना तेरी पूर्णा अमुखी में बस मना है स्वा। दोस्तों अमुखी की जगह पे आपको सौरत या लड़की का नाम लेना है जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं, जिससे आप अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं। फिर दोस्तों एक बार लौंग पर उस पानी पर फूंक मार दें। दोस्तों इस मंत्र का जाप आपको 521 बार जाप करना है। जाप करने के बाद दोस्तों इस लौंग को अपनी प्रेमिका का 7 बार नाम लेकर के काले धागे में लपेट करके अपने पास संभाल करके रख लेना है। बस आपको इतना ही आपको करना है। जब वो स्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी, आपसे बातें करने लग जाएगी, तब दोस्तों इन लौंग को किसी भी चौराहे पे किसी भी सुनसान जगह पे जला के वापस आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को एक बार अवश्य करें जिससे आप अपने प्यार को अपनी मोहब्बत को अवश्य पा सकें। तो दोस्तों इस उपाय को एक बार अवश्य करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।